नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल घरेलू उपाय में आपका तहे दिल से स्वागत है। और आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे स्मोकिंग से जुड़े मिथ एंड फैक्ट्स के बारे में। इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक देखें। WHO के अनुसार दुनिया में हर साल लगभग 64 लाख लोगों की डेथ स्मोकिंग की वजह से होती है। इनमें से 9 लाख लोगों की मौत भारत में ही होती है। स्मोकिंग से कुछ जुड़े हैं फैक्ट और मिथ, उनके बारे में बताने जा रहे हैं आपको। मिथ क्या है? सिगरेट पीने के साथ अगर हेल्दी डाइट ली जाए तो फिर इससे नुकसान नहीं होगा। इसका फैक्ट क्या है? सिगरेट का सीधा असर लंग पर पड़ता है, जिसका डाइट से कोई संबंध नहीं है। इसीलिए डाइट लेने पर सिगरेट नुकसान ही करेगा। नेक्स्ट मिथ क्या है? लाइट या माइल्ड सिगरेट ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाती है। इसका फैक्ट क्या है? स्टडीज़ के अनुसार लाइट सिगरेट पीते समय स्मोकर्स ज़्यादा तेज़ी से धुआं खींचते हैं। इससे लाइट सिगरेट भी रेगुलर सिगरेट की तरह ही नुकसान ही पहुँचाती है। नेक्स्ट मिथ क्या है? ई सिगरेट नुकसान नहीं पहुँचाती है। इसका फैक्ट है, स्टडीज़ के अनुसार ई सिगरेट भी नॉर्मल सिगरेट की तरह हार्मफुल केमिकल पाए जाते हैं। इसमें भी इससे कैंसर की प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट मिथ क्या है? सिगरेट में मौजूद सिर्फ निकोटीन और टार ही नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। इसका फैक्ट क्या है? सिगरेट में सिर्फ निकोटीन और टार नहीं होता, इसके अलावा इसमें एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन जैसे कई हार्मफुल केमिकल होते हैं जो कैंसर पैदा करते हैं। नेक्स्ट मिथ है, अगर सिगरेट की मात्रा कम कर दी जाए तो सिर्फ इससे नुकसान नहीं होगा। इसका फैक्ट है, दिन भर में चाहे एक सिगरेट पिए या दो, इससे लंग्स को नुकसान पहुंचेगा ही पहुंचेगा। सिगरेट की मात्रा कम करने से तलब और बढ़ जाती है, इससे स्मोकिंग छोड़ना ही नहीं प्रॉब्लम होती है इससे। उम्मीद है यह जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करना ना भूलें, ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। अपना सुझाव हमें कमेंट करके बताएं। नए हैं तो हमारे चैनल घरेलू उपाय को सब्सक्राइब करना ना भूलें।